असलम एवरी वन दिस इज डॉक्टर सहार चावला राइट एट योर सर्विस वाइटमिन बी ट्वेल्व की कमी का तो आप बहुत लोग शिकार होंगे और बहुत लोग बगैर सोचे समझे सप्लीमेंट्स भी ले रहे होंगे मैंने कहा आज कुछ ऐसे सिम्टम्स बता दूँ जिससे आप खुद पहचान पाए और कुछ ऐसे अनकॉमन सिम्टम्स जो आपके जहन में नहीं आते जिससे आपको पता लग जाए कि आपको वाइटामिन बी ट्वेल्व डिफिशेंसी है पहले मैं आपको बता दूँ कि वाइटामिन डी बी टोल्व दो फॉर्म्स में होता है एक सिंथेटिक फॉर्म होती है और एक नेचुरल कुदरती फॉर्म होती है जो नेचुरल फॉर्म होती है वो आपके पास मिथाइल को बैलोमिन होती है और जो सिंथेटिक फॉर्म होती है वो सैनाको बैलोमिन होती है क्या आप

ल का मतलब होता है जो चीज़ एंड पर हो एक्सट्रीम पर हो ये हमारे जिसम के एंड पे है ना हमारे हाथ और पैर तो ये हो गया न्यूरोपैथी यानी नर्व जो है वो डैमेज हो गई है वाइटामिन बी ट्वेल्व जो है आपकी नर्व्स के ऊपर एक लिफाफा होता है जिसको माइलिन कहते हैं ठीक है या आप सरबजे जैसे एक नंगी तार का कवर होता है वो माइलिन शीत वो माइलिन का लिफाफा बनाने के काम आती है जब वाइटामिन बी की कमी होती है माइलिन की वो शीत नहीं बनती जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स होती हैं समझे वो तारों की तरह होती है उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसकी वजह से जो इंपल्स है मैसेज है ठीक तरह नहीं पहुंच पाता और इसके अर्लीस्ट शुरू शुरू का सिम्टम आपके पास होता है सुइया चुमना टिंगलिंग नमनेस और आ, इस सिचुएशन को आप पेरिस्थीजिया कहते हैं पेरस्थीजिया कहते हैं अब सेंसेशन को और एनस्थीजिया कहते हैं सेंसेशन का चला जाना लॉस ऑफ सेंसेशन को अच्छा अब आपके पास इसको सीरियस लेने की जरूरत क्यों है सीरियस लेने की जरूरत इसलिए है कि ये इरिवर्सिबल न्यूरोपैथी की तरफ भी जा सकती है यानी अगर आप इसको इस वक्त सीरियस नहीं लेंगे तो ये आपके पास हमेशा के लिए का नर्व डैमेज हो सकता है मेरी एक पेशेंट थी जिनको इतनी ज़्यादा नर्व पेन थी कि वो पेन किलर्स के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था वो इरिवर्सिबल नर्व डैमेज पर चली गई थी डायबिटिक थी मोटी थी अपना ख्याल नहीं किया खून की कमी होती गई बी ट्वेल्व की कमी होती गई प्लीज़ डू नॉट गो इन टू दैट साइकिल अदर देन दैट आपके पास बी ट्वेल्व के जो जज्ब होने का मैकेनिज्म है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर आपका गट ठीक काम नहीं करेगा तो बी ट्वेल्व एबजॉर्ब ही नहीं हो सकता बी ट्वेल्व आपके पास रेड मीट में मौजूद होता है सारे नॉन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मौजूद होता है एनिमल सोर्सेज में मौजूद होता है स्टमक में तज़ाब बड़ा अच्छा चाहिए होता है उसको निकालने के लिए सिक्रीट करने के लिए आंतों से उसकी एब्जॉर्ब की स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए आंती हेल्दी होनी चाहिए

नहीं बनेगा तो आपको दूसरी होगा? होगा. तो मतलब चीज होगी बॉडी तो, में ऑक्सीजन कौन कैरी करता, करता है जब खून ही ठीक नहीं पहुंचेगा तो हार्ट दिल उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करेगा वो जोर से धड़कना शुरू हो जाएगा कि मैं ब्लड को सारे टिश्यूज में पंप करूं तो इसकी वजह से आपको साथ टेकि भी होगा अदर देन दैट आपके पास आपकी जो आंख का जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेटिना वो बड़ा रिचली वेस्कुलर और नर्वस टिश्यू है वहाँ पे भी आपके पास नर्व डैमेज होगा और आपके पास ब्लड विजन भी होगी प्लीज़ बच मैं अक्सर देखती हूँ खातन को पता नहीं है क्या है खातन में एक ट्रेंड है कि रेड मीट नहीं खानी मीट इज़ द हेल्दीएस्ट फूड ऑन दिस प्लानेट आप इस टेबल पे बीफ बीफ्लेवर से ज़्यादा कोई हेल्दी फूड लेकर आए और मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग उस दिन मैंने किसी ग्रुप में पोस्ट किया तो किसी ने नीचे आप इतना गोश्त खाएंगी तो आपकी जिंदगी छोटी हो जाएगी मैंने कहा अल्लाह आपकी अक्ल बड़ी कर दे। मेरी जिंदगी छोटी हो वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है सो थिंग इज कि मीट से ज्यादा हेल्दी चीज दुनिया में कोई नहीं है और जो लोग मीट ज्यादा खाते हैं और मीट उनकी डाइट का ज्यादा पोषण कॉन्टिन्यू करता है उनकी जिंदगी भी लंबी होती है इम्यूनिटी भी लंबी होती है और उनका लाइफ स्पेन भी अच्छा होता है एक और बड़े मजे का आपको तरीका बताऊँ अगर आप अपनी डाइट में वाइटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉपन बढ़ाना चाहते हैं तो वो ये है कि अगर आपको डेयरी सूट करता है तो एनिमल डेरी और डेयरी सूट नहीं करता तो बदम

ये इनफार्मेशन वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़